हेलो स्टूडेंट, मैं सागर मैन, मैथ्स फैकल्टी। अपना टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामन का। तो सबसे पहले अपने पास रैखिक प्रोग्रामन क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। फिर अपने पास रैखिक प्रोग्रामन का गणितीय स्वरूपन क्या है। फिर अपन रैखिक प्रोग्रामन को हल करने की विधि है वो क्या है। फिर अपने पास के बेसिक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन रैखिक प्रोग्रामन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। रैखिक प्रोग्रामन इष्ट समीकरण की एक तकनीक है। रैखिक प्रोग्रामन इष्ट समीकरण की एक तकनीक है। रैखिक प्रोग्रामन इष्ट समीकरण की एक तकनीक है। जिसमें लक्ष्य भी रेखीय होते हैं और शर्तें अर्थात समीकरण एवं असमीकरण भी रेखीय होते हैं परंतु इसका कंप्यूटर प्रोग्रामन से कोई संबंध नहीं होता है। परंतु इसका रैखिक प्रोग्रामन का कंप्यूटर प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं होता है। यह अपने पास एक रैखिक प्रोग्रामन है। रैखिक प्रोग्रामन का अपन दैनिक जीवन में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, व्यवसायों में, उद्योग धंधों में अपन उपयोग करते हैं। अब इस रैखिक प्रोग्राम को एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे कि अपने पास रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या है कि अपने पास 100 रुपये, व्यक्ति के पास 100 रुपये है, उसको दो प्रकार की पुस्तकें खरीदने हैं जिसका एक का मूल्य है 5 रुपये और दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य है 8 रुपये। एक प्रकार की वस्तु का मूल्य है 5 रुपये, दूसरी प्रकार की वस्तु का मूल्य है 8 रुपये तथा एक प्रथम प्रकार की वस्तुएं अधिकतम 45 वस्तु से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। तो उसका गणितीय अपने पास रैखिक प्रोग्राम समस्या कैसे बनती है। माना कि प्रथम प्रकार की वस्तुएं अक्ष तथा द्वितीय प्रकार की वस्तुएं वाई है। अब मैंने बताया आपको कि आपके पास व्यक्ति के पास कुल रुपए कितने हैं 100 रुपए है और प्रथम प्रकार की वस्तुएं कितने हैं, एक वस्तु का मूल्य कितना है 5 रुपए, दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है प्रकार की 8 रुपए है। तो अपने पास क्या बनेगा, 5x + 8y < 100। कि अपने पास दो प्रकार की वस्तुएं खरीदी लेकिन दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो सकता है 100 रुपए या फिर 100 से कम, क्योंकि व्यक्ति के पास रुपए कितने थे बेटा 100 रुपए थे। तो अपन वस्तुएं 100 रुपए की खरीद सकते हैं या फिर इससे कम रुपए की खरीद सकते हैं। अगर व्यक्ति जेब रुपए 100 है तो 100 से ज्यादा हम नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास प्रथम प्रकार की वस्तुएं अधिकतम कितनी थी 45 ही, तो अक्ष लेस देन इक्वल 45। अपने पास जो खरीदी की वस्तुएं अक्ष प्रकार की है वो अपने पास ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि अक्ष और वाई हमेशा क्या होता है ऋणेतर होते हैं अर्थात
धनात्मक होते हैं। ये अपने पास एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। अब आता अपने पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय स्वरूपण। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का गणितीय स्वरूपण। रैखिक प्रोग्रामिंग गणित समस्या का रैखिक प्रोग्राम समस्या का गणितीय स्वरूपण क्या है अपने पास? रेखी की प्रोग्रामन समस्या का गणितीय स्वरूपण निम्नलिखित है। तो अपने पास क्या आएगा यहां पे कि जेड बराबर क्या होगा, सी वन एक्स वन प्लस का सी टू, एक्स टू प्लस का सी थ्री, एक्स थ्री प्लस का सी फोर, एक्स फोर प्लस का डॉट 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 प्लस का सी एन, ये एक्स एन। अब इसके प्रतिबंध या अवरोध बोले तो वो क्या होंगे अपने पास, प्रतिबंध क्या इसका, फर्स्ट प्रतिबंध क्या है, ए वन वन एक्स वन प्लस का ए वन टू, एक्स टू प्लस का ए वन थ्री, एक्स थ्री प्लस का ए वन फोर, एक्स फोर प्लस का डो डो डोट ए वन एन एक्स एन। और अपने पास बीच में निशान क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, या फिर पास इक्वल आएगा, और ये बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस का ए टू टू, एक्स टू प्लस का ए टू थ्री, एक्स थ्री प्लस का ए टू फोर, एक्स फोर प्लस का डो डो डोट प्लस में ए टू एन एक्स एन कोमा ग्रेटर देन इक्वल कोमा इक्वल, और ये बी टू। तो अपने पास मान क्या आएगा ऐसे, क्या आएगा अपने पास ए एम वन एक्स वन प्लस का ए एम टू एक्स टू प्लस का ए एम थ्री एक्स थ्री प्लस का ए एम फोर एक्स फोर प्लस डो 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 ए एम एन एक्स एन लेस देन इक्वल कोमा ग्रेटर देन इक्वल कोमा इक्वल, और ये बी एन। ये होता है अपने पास बेटा रेखीय प्रोग्रामन समस्या का गणितीय स्वरूपण प्रथम प्रतिबंध। उसका द्वितीय प्रतिबंध क्या होगा अपने पास, द्वितीय प्रतिबंध क्या होगा अपने पास, द्वितीय प्रतिबंध में क्या है कि एक्स वन और एक्स टू एक्स थ्री डो डोट एक्स एन ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे बेटे, जीरो। तथा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री डोडोट ये एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे, जीरो। तो इस प्रकार से एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का गणितीय स्वरूपण होता है, गणितीय प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्राम समस्या का गणितीय स्वरूपण होता है। अब आता अपने पास क्या, देखो कि जेड बराबर एक अपने पास जेड था उसका रैखिक फलन, रैखिक फलन जेड का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना, रैखिक फलन जेड का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना रैखिक प्रोग्रामन
समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है कि रेखीय फलन जेड का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना रेखीय प्रोग्राम समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है। अर्थात जेड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, उद्देश्य फलन कहते हैं। जेड को क्या बोलेंगे अपन, उद्देश्य फलन कहते हैं। और प्रतिबंध फर्स्ट में प्रतिबंध फर्स्ट क्या होगा अपने पास, प्रतिबंध फर्स्ट में लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल बराबर का अर्थ है कि इनमें से कोई एक अपना स्थान ग्रहण करेगा। प्रतिबंध में तीन है, तीन इसका मतलब क्या कि इनमें से अपने पास क्या आएगा, कोई एक स्थान ग्रहण करेगा अपना, इनमें से कोई भी एक अपना स्थान करेगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर इक्वल आएगा अपने पास। और द्वितीय में अपने पास क्या होता है, प्रतिबंध द्वितीय में क्या अपने पास, प्रतिबंध द्वितीय का अर्थ है कि अपने पास रेखीय के प्रतिबंध द्वितीय में रेखीय के प्रोग्रामन के सभी चर धनात्मक या बोले तो अपने पास ऋणेतर होते हैं, धनात्मक या ऋणेतर होते हैं। अब अपने पास आता है कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या का, ये तो अपने पास गणितीय स्वरूपण है। अब रेखीय प्रोग्रामन समस्या को हल करने की विधि के बारे में, रेखीय प्रोग्राम समस्या को हल करने की विधि, देखो रेखीय प्रोग्रामन समस्या को हल करने की दो विधि है। एक तो अपने पास क्या है, ग्राफीय विधि है। दूसरी विधि क्या बेटा अपने पास, सिंप्लेक्स विधि है। ग्राफीय विधि में तो अपने पास केवल दो चरों वाले रेखीय समीकरणों को, अपने पास दो चरों वाले कोई अपने पास रेखीय प्रोग्रामर में कितने चर होंगे, दो चर होंगे, तो अपने पास ग्राफीय विधि का उपयोग करते हैं। और दो से अधिक चर आ जाए तो अपने पास कौन सी विधि काम रहते हैं, सिंप्लेक्स विधि, जो कि अपने पास सिलेबस में नहीं है। अपन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, यहां पे ग्राफीय विधि का उपयोग करेंगे। वो क्या देखो अपने पास, रेखीय की प्रोग्रामन, रेखीय के प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से तभी हल किया जाना संभव है किया जाना संभव है यदि यदि रेखीय प्रोग्रामन समस्या में यदि समस्या में केवल दो ही चर हो, केवल दो ही चर हो। अगर दो से अधिक होता है तो सिंप्लेक्स विधि का अपन उपयोग करते हैं, जो अपने पास 12th क्लास में सिलेबस में है नहीं अपने पास। ओनली किस विधि का उपयोग करते हैं, रेखीय प्रोग्राम समस्या को हल करने के लिए ओनली ग्राफीय विधि का उपयोग किया जाता है। तो अपने पास देखो किस प्रकार से हल करते हैं, तो दो चरों, दो चरों वाले रेखीय प्रोग्रामन
दो चरों में रैखिकी प्रोग्रामन समस्या। अपने पास क्या देखो, उदस्य फलन जेड बराबर सी वन अक्ष प्लस का सी टू वाई, या अपने पास A11 प्रतिबंध A11 अक्ष प्लस का A12 वाई लेस देन इक्वल कोमा ग्रेटर देन इक्वल कोमा ये इक्वल बराबर क्या आएगा B1 A21 अक्ष प्लस का A22 वाई लेस देन इक्वल कोमा ग्रेटर देन इक्वल कोमा इक्वल इक्वल टू क्या आएगा B2 तथा अक्ष कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ये अपने पास क्या है, दो चरों में रैखिक प्रोग्रामन समस्या है, दो चरों में रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। अपने पास यहां पर क्या होगा, यहां जेड का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है, अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है। इसके आगे देखो अपने पास इसकी हल करने की तरीके क्या, अपने पास ग्राफीय विधि से नंबर एक पर क्या करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसके रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो रैखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। नंबर दो पे सुसंगत क्षेत्र के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। नंबर तीन पे इन शीर्षों पर जेड का मान ज्ञात करते हैं, नंबर चार पे जेड के अधिकतम या न्यूनतम मान के संगत रेखी की प्रोग्रामन समस्या की संगत रेखी प्रोग्रामन समस्या का हल प्राप्ति होता है कि हमें उदस्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना है, उसके संगत रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल ज्ञात होता है। तो सबसे पहले इसका सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, फिर इसके सुसंगत क्षेत्र के शीर्षों के या कोणीय बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, उन शीर्षों के निर्देशांकों पर जेड का मान ज्ञात किया जाता है और जेड के अधिकतम या न्यूनतम मान के संगत रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल प्राप्त होता है। ये तो अपने पास एक रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करने की विधि अपने पास है। अब देखो बेटा इसके ऊपर आधारित अपने पास कुछ क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है। अब अपने पास रैखिक प्रोग्राम समस्या पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने पास सिर्फ इसमें रैखिक प्रोग्राम समस्या में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं बेटा, अपने पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आता अपने पास एक नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 होता है, एक बेटा अपने पास क्वेश्चन होता है
25 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में अपने पास 25 नंबर क्वेश्चन होता है, उसके अंक अपने पास कितने होते हैं? 3 अंक का क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 9 तो आएगा 1 अंक का, क्वेश्चन नंबर 25 आएगा अपने पास 3 अंक का। तो बेटा सब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो एग्जाम में अपन क्वेश्चन नंबर 9 आता है उसका अंक अपने पास क्या होता है? 1 होता है। तो क्या निम्न यवरोधों के अंतर्गत, निम्न यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र दर्शाइए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र दर्शाइए। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, अवरोध क्या? इसके देखो 2x प्लस का वाई लेस देन इक्वल 6, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इसको हल करते हैं बेटा अपन। सबसे पहले क्या देखो, अपने पास दिए गए क्या है, दिए गए अवरोध वो क्या अपने पास, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6 और x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अपने पास क्या है, असमीका को किस में बदलेंगे? पहले समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर 2x प्लस वाई बराबर 6, ये x है और ये y है। बेटा x का मान 0 दो, y का मान 6 आएगा। y का मान 0 दो, x का मान क्या आएगा? 3 आएगा। इसको अपन एक कॉपी के अंदर ही बनाएंगे ग्राफ। देखो अपने पास ये है y अक्ष, योगा बेटा y डैश अक्ष, योगा बेटा अपने पास अक्ष अक्ष, योगा बेटा अपने पास अक्ष डैश अक्ष, y अक्ष y डैश अक्ष, अक्ष 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 डैश अक्ष। यहां पर मूल बिंदु 0 के निशांक 0.0 होता है। यहां पर y का मान 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या है 6। इधर अपने पास क्या है 1, 2, 3, इधर क्या बेटा 1, 2, 3। इधर अक्ष के मान क्या, प्लस के 1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अब देखो पहला मान 0.6, ये 0.6 रहा बेटा। फिर 3.0, ये 3.0 रहा। इनको मिला दो, एक रेखा किस तो मिलाती हुई, ये रेखा आ गई अपने पास। इसकी समीकरण क्या अपने पास, 2x प्लस का वाई बराबर 6। यहां पर बिंदु ए निर्देशांक 3.0, यहां पर बिंदु बी निर्देशांक 0.6। अब बता सकते हैं इस रेखा का झुकाव कैसे आएगा? अपने पास असमीका क्या थी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। तो अपन रफ कार्य में क्या करेंगे कि 2x प्लस का वाई लेस देन इक्वल 6, इसमें मूल बिंदु क्या है 0.0 रखते हैं। तो 2×0 प्लस का 1×0 लेस देन इक्वल 6, 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल 6, ये 0 लेस देन इक्वल 6। अपन क्या जानते हैं कि 0 6 से क्या होता है, यानी 0.6 से छोटा होता है। असमीका रखने पर असमीका भी क्या करिए कि 0.6 से क्या है, छोटा है। अतः इस रेखा का झुकाव मूल बिंदु की तरफ होगा। फिर बड़ा अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्या आएगा, यह आएगा अपने पास। वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 का क्या होगा बेटा, यह आएगा। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी असमीकाओं को संतुष्ट करता है, कौन सा अपने पास संतुष्ट करता है? सुसंगत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि अपने पास वह क्षेत्र जो दी गई सभी असमीकाओं को या सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तो बड़ा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी
असमीकाओं को संतुष्ट कराए, यही क्षेत्र अपने पास। इसका नाम इसको तो डायरेक्ट कर दो, इस क्षेत्र का नाम हो गया ए ओ बी, आता है सुसंगत क्षेत्र, ए ओ बी है, आता है सुसंगत क्षेत्र क्या है, ए ओ बी है। इस प्रकार से बेटा अपन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वन अंक का यानी वन नंबर का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन संख्या पेपर में नो नंबर आएगा। तो अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर ऐसे छोटे क्वेश्चन की निम्न अवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र दर्शाए, आपको ऐसे अवरोध मिलेंगे या प्रतिबंध मिलेंगे, उसको अपन क्या दर्शाना है, सुसंगत क्षेत्र बल ज्ञात करना है। तो सुसंगत क्षेत्र क्या हो गया, ए ओ बी हो गया अपने पास। दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नंबर दो क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र दर्शाइए। तो अपने पास अवरोध क्या है, तीन अक्ष प्लस का पांच वाई लेस देन इक्वल 15 है, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये आपके पास अवरोध है, इसके अंतर्गत हमें सुसंगत क्षेत्र दर्शाना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं बेटे, तो लिखेंगे दिए गए प्रतिबंध या एसएमई का या अवरोध, दिए गए अवरोध है तीन अक्ष प्लस का पांच वाई लेस देन इक्वल 15 और ये अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, इन अवरोधों को किस बदलेंगे बेटा, समीकरण बदलने पर। दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर क्या आएगा बेटा, तीन अक्ष प्लस का पांच वाई बराबर क्या आएगा 15। अब इसको अपन देखो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, अक्ष और वाई के मान ज्ञात करेंगे। एक बार अक्ष को अपन शून्य रख दो तो y का मान आएगा 3, y को शून्य रख दो तो अक्ष का मान क्या आएगा 5। इनको अपन कार्तीय तल में दर्शाएंगे, ये तो क्या है y अक्ष है, ये क्या है अक्ष अक्ष है, ये क्या है अक्ष डैश अक्ष है, ये क्या है वाई डैश अक्ष है, ये मूल बिंदु है, इसका मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इधर अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इधर अपने पास बेटा क्या है, माइनस का एक अक्ष का माइनस का दो अक्ष के मान है माइनस के, इधर वाई के मान माइनस का एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार, इसका पैमाना क्या होगा बेटा, पैमाना क्या, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर क्या होगा बेटा एक इकाई। तो अपने पास देखो यहां पे पहला बिंदु 0.3, तो 0.3 तो यहीं पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा 0.3, क्योंकि अक्ष का मान 0 और वाई का मान कोई मान हो तो आप वाई अक्ष पर आएगा। अब की बार 5.0 कहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा, इन दोनों को मिला दो बेटा और एक रेखा आ गई अपने पास। समीकरण क्या थी इसकी बेटा, तीन अक्ष प्लस का पांच वाई बराबर 15 है, इसके बिंदु दिया ए निर्देशांक है 5.0, इसका बिंदु दिया बी निर्देशांक 0.3 है, इसका झुकाव मूल बिंदु की तरफ होगा कि नहीं होगा वो देखो बेटा, तीन अक्ष प्लस का पांच वाई लेस देन इक्वल 15, इसमें अक्ष का मान वाई का मान 0 रखेंगे तो 3.0 प्लस का 5.0 लेस देन 15, ये क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल 15। तो अपने पास ये मूल बिंदु असमीका को क्या करा है, संतुष्ट करता है, तो इसका झुकाव कैसे आएगा बेटा, मूल बिंदु की तरफ आएगा।
किसकी तरफ आएगा बेटा, मूल बिंदु की तरफ आएगा। अब देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो का हल झुकाव कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ऐसा कौन सा सुसंगत क्षेत्र है जो सभी असमीकाओं को संतुष्ट करता है, वो क्षेत्र कौन सा है, ये है जो सभी असमीकाओं को या दिए गए सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, वो क्षेत्र कौन सा है, ये है। इसको अपन डायरेक्ट कर देंगे, इसका नाम क्या हो गया, ए ओ बी। आता है दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र ए ओ बी है। अतः दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र कौन सा बेटा, ए ओ बी। इस प्रकार से बेटा अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 9 के अंक यानी प्राप्त अंक क्या होगी आपके पास, 1। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, एक अंक वाला, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र दर्शाइए। तो आपके पास यवरोध क्या होंगे, देखो एक्स प्लस का 2y लेस देन इक्वल, या अबकी बार अपने पास ग्रेटर देन इक्वल 10 एंड एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, 0। अपने पास इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए ये अवरोध वो क्या बेटा अपने पास, एक्स प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 और एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। इनको किस में बदलेंगे बेटा, असमीकरण को किस में बदलेंगे, समीकरण में। तो समीकरण में बदलने पर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस का 2y बराबर 10। इनको अपन टेबल बनाएंगे, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स का मान 0 लिया तो वाई का मान 5, और वाई का मान 0 तो एक्स का मान 10, क्योंकि अपने पास एक्स का मान 0 तो 2y, 2y का मतलब बराबर 10, तो y का मान 10/2 5, और y का अगर अपन y का 0 लेते हैं तो 0, x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अपन इनको देखो ग्राफ बनाते हैं, यहां पर अपने पास 0 है, ये y अक्ष है बेटा, ये y डैश अक्ष है, ये अपने पास अक्ष डैश अक्ष है, ये अपने पास अक्ष अक्ष है बेटा। अक्ष का मान यहां पर क्या रहेगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये अपने पास अक्ष के धनात्मक मान आ गए। इधर अपने पास बेटा 1, 2, 3, 4, 5 ये 6, ये वाई के धनात्मक मान आ गए। इधर अपने पास बेटा एक्स के ऋणात्मक 1 - 2 - 3 - 4, इधर वाई के ऋणात्मक -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6। अब इनको अपन दर्शाएंगे, देखो अपने पहला बिंदु क्या है बेटा, 0.5, ये अपने पास 0.5। दूसरा बिंदु क्या है, 10.0 बेटा, ये 10.0 है। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे अपने पास, वो क्या आएगी देखो, समीकरण क्या थी बेटा, x प्लस का 2y बराबर 10। अब देखो आगे,
इसका झुकाव कैसे आएगा बेटा? x प्लस दो वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 10 है, तो 0 प्लस का 2 गुणा 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल 10 क्या मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है या अवरोध को संतुष्ट करता है क्या? नहीं, ये कह रहा है कि 0 10 से बड़ा है जबकि 0 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका झुकाव कैसा हो गया बेटा? मूल बिंदु के ऊपर रेखा के ऊपर की तरफ हो गया। इसी प्रकार अपने पास अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल दर्शन किसे दर्शाएंगे? इसको ऐसे दर्शाएंगे 0 से ऊपर की ओर, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इस मूल बिंदु 0 के दाईं ओर प्रथम चतुर्थांश में आएगा अपने पास। तो सुसंगत क्षेत्र कौन सा बन गया? एक अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र हो गया ये अपने पास, जो परिबद्ध नहीं है, एकदम खुला है यानी अनंत हो गया, परिबद्ध को क्या बोलेंगे, लेकिन आएगा किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें रहेगा बेटा अपने पास से? प्रथम चतुर्थांश में। इसको अपन क्या बोलेंगे? सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे। आता है दी गई रैखिक प्रोगामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र छायांकित भाग अपरिबद्ध है, यानी छायांकित भाग वो भी कौन सा? छायांकित अपरिबद्ध है। कैसा बेटा? अपरिबद्ध, यानी खुला का मतलब क्या हो गया? अपरिबद्ध की गिरावा नहीं है, और गिरावा क्या होता है? चारों तरफ से बंद यानी सीमित। ये कैसा है? सीमित सुसंगत नहीं है, ये अनंत सुसंगत अपरिबद्ध। लेकिन रहेगा किस में बेटा? ओनली प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन संख्या 9 पेपर में आएगा और अंक उसका एक मिलेगा। तो इस प्रकार का रैखिक प्रोग्राम समस्या में से एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, यहां से इस प्रकार का एक अंक वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 आएगा। अब अपन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में 3 अंक वाले क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन संख्या 25 आएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाएंगे कहां? ग्राफ पेपर में नहीं, ओनली अपनी आंसर शीट में ही बनाएंगे। किस में बनाएंगे बेटा? आंसर शीट में। अब क्वेश्चन संख्या 25 आएगा, उसका अपन ग्राफ कहां बनाएंगे? अपने ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ के अंदर बनाना बेटा। पहले बता दूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर देखो अपने पास बेटा 4 नंबर, निम्नलिखित रैखिक प्रोगामन समस्या को निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आपके पास समस्या क्या है? अधिकतम जेड बराबर, अधिकतम जेड बराबर क्या समस्या आपके पास? 60 अक्ष प्लस का 15 वाई। अब इसके अवरोध क्या है? अवरोध क्या देखो अपने पास, अधिकतम जेड बराबर 60 अक्ष प्लस का 15 वाई, अवरोध है अक्ष प्लस सी वाई लेस देन इक्वल 50, 3 अक्ष प्लस का वाई लेस देन इक्वल 90 तथा अक्ष कोमा वाई कोमा ग्रेटर देन इक्वल 0, ये इसके अवरोध है। अपने पास अधिकतम जेड का मान क्या है? 60 एक्स प्लस 15 वाई, और इसके अवरोध है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। फिर सेकंड अवरोध क्या है इसका देखो, 3 एक्स प्लस का वाई लेस देन इक्वल 90, और एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स का मान 0 से बड़ा, वाई का मान भी क्या रहेगा बेटा? 0 से बड़ा। तो देखो अपने पास क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दी गई रैखिक
प्रोग्राम समस्या की जो अवरोध दिए गए उनको किस में चेंज करेंगे? समीकरण में चेंज करेंगे। दिए गए अवरोधों को समीकरण में बदलने पर, दिए गए अवरोधों को समीकरण में बदलते हैं तो पहला क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 50। देखो इसकी सारणी क्या बनेगी। जीरो पचास, जीरो पचास। देखो x का मान जीरो तो y का मान 50, y का मान जीरो तो x का मान क्या बेटा? 50। सेकंड क्या अपने पास? 3x प्लस का वाई बराबर 90। इसकी टेबल कैसे बनेगी? देखो एक्स वाई, वाई का मान जीरो देते हैं तो जीरो बन गया, लेकिन तीन का भाग दो एक्स का मान कितना आएगा? 30। एक्स का मान जीरो दो तो वाई का मान कितना आएगा बेटा? 90 आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास पहला बिंदु क्या हुआ बेटा? जीरो पचास। दूसरा बिंदु क्या हुआ? 50 जीरो। फिर अपने पास कौन सा बिंदु आया बेटा? 30 कोमा जीरो, एक जीरो कोमा 90 आया। इनको अपन कार्तीय तल में ग्राफी फॉर्म में व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। देखो अपने पास तो इसका ग्राफ बनाएंगे यहां पे। ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये अक्ष डैश अक्ष है, इसको थोड़ा सा लाइन को अपन नीचा ले लेते हैं। ये जीरो है, ये अक्ष डैश अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है और ये अक्ष अक्ष है। अपने पास मान क्या लेंगे? तो अब एक दो तीन ही लेंगे अपन। देखो यहां पर मान बड़े आ रहे हैं तो क्या लेंगे? 10 20 30 लेंगे अपने पास। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80। यहां पर क्या लेंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। इधर अपने पास माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस 30 माइनस 40 ये एक्स के हो गए। इधर वाई के ऋणात्मक माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस का 40। पैमाना देखो इसका बेटा अपने पास। अगर आपने पैमाना नहीं लिखा है, क्वेश्चन अपने पास तरी अंक का है, तो बेटा आपका आधा नंबर कट जाएगा। पैमाना क्या अपने पास? एक बड़ा खाना बराबर कितने इकाई लिया आपकी बार बेटा? 10 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर क्या लेंगे पैमाना? 10 इकाई। तो देखो अपने पास पहला बिंदु 0.50 ये रहा बेटा अपने पास। दूसरा बिंदु 50.0 ये रहा बेटा अपने पास। इन दोनों को मिला दीजिए इसकी समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 50। या थोड़े साइड में लिख देंगे समीकरण को तो अपन क्या सुसंगत हल क्षेत्र में दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। ये क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 50। अपने पास देखो फिर 30.0 एक मिनट इसकी समीकरण लिख दिया, निर्देशांक लिख देंगे और बिंदु। अब बता सकते हैं इसका झुकाव कैसे आएगा? देखो बेटा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। जब मैंने आपको इससे पहले एक अंक वाले क्वेश्चन बताया था ओनली सुसंगत हल क्षेत्र, तो सुसंगत हल क्षेत्र के लिए अपने पास क्या करेंगे? देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50, यहां पर लेस देन आ रहा है, प्लस का 50 है, इसका मतलब इसका झुकाव क्या आएगा बेटा? मूल बिंदु की तरफ आएगा, क्योंकि मूल बिंदु इस असमीका को क्या करेगा? संतुष्ट करता है, तो इसका झुकाव मूल बिंदु की तरफ है। फिर देखो बेटा अपने पास नेक्स्ट है 30.0 ये रहा अपने पास द्वितीय समीकरण के बिंदु, ये 0.90 ये रहा अपने पास बेटा। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ये कौन सी समीकरण बेटा अपने पास? 3x एंड 3x प्लस y बराबर क्या है? 90 है। इस रेखा का झुकाव भी, क्योंकि इसमें भी लेस देन आ रहा है, इसका मतलब इसको मूल बिंदु संतुष्ट करता है, इस रेखा का झुकाव भी क्या रहेगा बेटा?
नीचे की तरफ रहेगा मूल बिंदु की ओर। क्या रहेगा इसका झुकाव? मूल बिंदु की ओर। अब दुख बेटा अपने पास दो समीकरण और थी, अक्ष ग्रेटर देन धनात्मक अक्ष के मान ऋणोत्तर चर, इसका मान क्या अक्ष ग्रेटर देन इक्वल जीरो का यह आएगा अपने पास छहत्तर बेटा, और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो का क्या आएगा यह आएगा। आपको ये देखना है बेटा, अब इसमें देखो चार भाग हो गए, एक भाग दो भाग इधर एक अपरिबद्ध भाग एक चौथा भाग, ऐसा कौन सा भाग है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है या सभी असमीकरणों को संतुष्ट करता है। देखो इसमें देखो इस वाई अक्ष को अक्ष अक्ष को इस लाइन को संतुष्ट करता है लेकिन इस लाइन को ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अक्ष प्लस वाई बराबर 50 को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं बेटा अपने पास। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र अपने पास, इसको आप डायरेक्ट कर देंगे, और नाम देंगे इसका ए, ये ओ है, ये बी है और सी। हमें बेटा बी का निर्देशांक क्या है? 50 है बेटा। ए का क्या है? 30.0, और ओ बिंदु का क्या है? 0.0। अपन को कौन से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है बेटे? सी बिंदु के निर्देशांक। वो सी बिंदु क्या है? दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या बेटा? दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो अपने पास कौन समीकरण थी कि अक्ष प्लस वाई बराबर 50, ये 3x प्लस का वाई बराबर 90, इसको कर दो माइनस माइनस के कैंसिल, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 40, अक्ष का मान 20। अगर अक्ष का मान 20 है तो फिर वाई का मान कितना रहेगा? 30। तो अपने पास ये बिंदु सी के निर्देशांक कितना हो गया? 20.30। ये अपने रफली करना है, जो अपने एग्जाम में रफ कार्य करते हैं वो अपने हल करके इनको मान निकालिए, अक्ष और वाई का दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो अपने पास सुसंगत क्षेत्र कौन सा हो गया बेटा? ए ओ बी सी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपने पास यहां पे? इधर से मिटा रहे, आता है दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र ए ओ बी सी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए, ए के साथ में क्या बेटा? 30.0। ओ क्या बेटा अपने पास? 0.0। बी क्या बेटा अपने पास? 0.50। व सी क्या बेटा अपने पास? 20.30 है। अब इन शीर्षों के निर्देशांकों पर, यहां तक तो सुसंगत क्षेत्र आया है, इन निर्देशांकों पर किसका मान निकाले बेटा? उदस्य फलन जेड का मान निकालने पर सब मानों में से जो अधिकतम मान आएगा वो इस दी गई रेखीय प्रोग्राम समस्या का इष्टतम हल या केवल हल बोले तो अपने पास वो होगा, किस बिंदु पर आएगा? देखो अपने पास इन शीर्षों पर उदस्य फलन जेड बराबर 60x प्लस 15y का मान निम्न सारणी में है। ये लो अपने पास शीर्ष, ये अपने पास बड़े निर्देशांक, ये फिर अपने पास उदस्य फलन, जेड बराबर 60x प्लस का 15y। ये लो ए, ये लो बी, ये लो ये ए के बाद में ओ, ये बी और ये सी। यहां पर अपने पास निर्देशांक क्या आएंगे बेटे? क्या ए का? 30.0। ओके क्या है? 0.0।
बी के क्या बेटा अपने पास 0.50, फिर सी के क्या बेटा 20.30, सी का क्या बेटा पास बेटा 20.30 है अपने पास, सी का निर्देशांक क्या 20.30, जेड का मान क्या है यहां पे 60×30 प्लस 15×0 बराबर 1800, कितना आएगा मान 1800। इसी प्रकार इस बिंदु पर क्या आएगा 0+0 बराबर क्या आएगा 0, यहां पर क्या आएगा बेटा 60×0 प्लस का 15×50 बराबर आएगा 750, जेड बराबर क्या आएगा 60×20 प्लस का 15×30 बराबर आएगा 1650, कैसे आया 1200 हो गए 450 हो गए जोड़ने पर 1650, इन देखो 1800 0 750 और 1650, सबसे ज्यादा मान कौन सा है 1800, 1800 है तो किस बिंदु पर है 30.0 पर है, आता है दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम हल बिंदु 30.0 पर 1800 है। तो आपके पास ये मान क्या हो गया अधिकतम मान हो गया ही। ये कौन सा मान हो गया बेटा अधिकतम, अतः है बिंदु 30.0 पर समस्या का अधिकतम मान 1800 है, अधिकतम मान 1800 है, अतः बिंदु 30.0 पर समस्या का अधिकतम मान 1800 है, इसलिए x बराबर क्या हुआ 30 और y बराबर 0 और z बराबर क्या है ये 1800, कितना ये अधिकतम मान है, कैसा बेटा अपने पास ये अधिकतम मान है। तो इस प्रकार से अपने किसी भी एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का ग्राफीय विधि से, लेकिन रैखिक प्रोग्रामन समस्या है कितने चर वाली, दो चर वाली, ऐसा क्वेश्चन बड़ा कौन सा आएगा एग्जाम में 25 नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कौन सा आएगा 25 नंबर, आपको साथ में ग्राफ मिलेगी और ग्राफ को बड़ा कहां पे इसको लगाना है, जहां पर अपन ये रेखीय प्रोग्रामन समस्या की गणना करते हैं वहीं पर ग्राफ को बांधना है और आगे पीछे नहीं बांधना है ग्राफ को, जहां दो पेज में अपने पास ये क्वेश्चन आया तो दोनों पेजों के बीच में इस ग्राफ को बांध देंगे अपन धागे से, नहीं कि कहीं पीछे बांधे या स्टार्टिंग बांधे, ऐसा करने से आप ही आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे पहले बता दी जाए। तो बोर्ड पैटर्न पर आपको क्वेश्चन उनको किस प्रकार से सेट किया जाता है इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 5वां क्वेश्चन, जो अपने पास निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या को अपन ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन अपने पास है निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या को आलेखीय ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपके पास न्यूनतम जेड बराबर क्या है 5x + 10y, इसके अवरोध क्या है x + 2y < 120, x + y > 60, x - 2y > 0, x, y > 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो अपने पास सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो दिए गए अवरोधों को समीकरण में बदलने पर क्या आएगा अपने पास x + 2y = 120, इसके अपन टेबल बनाएंगे, अक्ष है y, अक्ष का मान 0 तो y का मान 60, y का मान 0 तो x का मान 120,
एक है एक्स प्लस वाई बराबर 60। एक्स का मान 0 तो वाई का 60, वाई 0 तो एक्स बेटा 60। एक अपने पास है एक्स ही माइनस का 2y बराबर 0 आएगा, एक्स बराबर क्या आएगा 2y। y का मान 10, x का मान 20, y का मान 20, x का मान 40, y का मान 0, x का मान भी 0 आएगा अपने पास। तो ये तो अपन मैंने समीकरण बदल दिया, अब इनको अपन ग्राफीय क्षेत्र में व्यक्त करते हैं इन बिंदुओं को अपने पास। ये तो मूल बिंदु हो गया, ये है y अक्ष और ये है बेटा अक्ष अक्ष, और ये है बेटा अपने पास अक्ष डैश अक्ष, ये बेटा अपने पास y डैश अक्ष। इसमें अपन मान दर्शाएंगे क्यों मान बड़े आ रहे हैं, तो अपन क्या लेंगे बेटा 10 20 के रूप में लेंगे अपने पास मान। ये अक्ष का मान 10 है प्लस के, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ये 100 है, ये 110 है बेटा, और ये 120 है। इधर अपने पास y के धनात्मक मान 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80। इधर अपने पास x के ऋणात्मक मान है माइनस का 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस का 40। इधर अपने पास क्या है माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस के 40। ये अपने पास अक्ष और वाई के मैंने धनात्मक और ऋणात्मक मान दर्शा दिए। अब इन पे आधारित अपने पास इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला बिंदु देखो, पहले समीकरण से 0.60, फिर 120.0, इन दोनों को मिला दीजिए बेटा बिंदुओं को। समीकरण क्या थी, अक्ष प्लस का 2y बराबर 120 थी, समीकरण थी अक्ष प्लस 2y बराबर 120। इसका झुकाव कैसे आएगा देखो बेटा, समीका में अक्ष प्लस 2y लेस देन इक्वल 120 था, अगर लेस देन है प्लस का नंबर है इधर, तो बेटा मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि इस असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट करता है, तो इसका झुकाव आएगा नीचे की ओर मूल बिंदु की तरफ। फिर आगे चलते हैं बेटा 0.60, ये रो 0.60, फिर 60.0, ये 60.0, इन दोनों को मिला दीजिए बेटा। इसकी समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या बेटा 60। इसका झुकाव क्या रहेगा बेटा, मूल बिंदु से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये क्या है देखो ग्रेटर देन है, अक्ष और वाई का मान रखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, तो 0.60 से बड़ा बता रहा है, जबकि 0.60 से क्या होता है 0.60 से क्या होता है छोटा, अतः असमीका असंतुष्ट है, तो इसका झुकाव क्या है मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएगा इस रेखा का। नंबर थर्ड क्या रेखा अपने पास बेटा, अक्ष बराबर 2y, तो इसके बिंदु क्या है 0.0, 20.10, फिर क्या आएगा बेटा 40.20, क्या आएगा 40.20। इसकी समीकरण क्या है, अक्ष बराबर क्या बेटा ये 2y। अब इसका झुकाव देखना, अक्ष से माइनस का 2y, तो इसको क्या लिखेंगे अक्ष ग्रेटर देन 2y, ये तो लिखेंगे, अक्ष का मान y से क्या रहा है बड़ा है, अर्थात ये रहे अपने पास इसका झुकाव आएगा इधर। इसका झुकाव क्या रहेगा बेटा, रेखा के नीचे की तरफ। तो अपने पास ऐसा कौन सा, अब एक और देखो, अभी अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का क्षेत्र ये आएगा अपने पास। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो चारों तरफ से बंद और घिरा हुआ यानी परिबद्ध है अपने पास, हर असमीका को संतुष्ट करता है, वो क्षेत्र अपने पास बेटा ये है, जिसको मैं डायरेक्ट कर गहरा करूं बेटा इसको। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुआ 120.0,
इस बिंदु के निर्देशांक 60.0 और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटे, यानी अक्ष बराबर 2y और अक्ष प्लस वाई बराबर 60 को हल करेंगे आप। अक्ष प्लस वाई बराबर 60 और अक्ष बराबर 2y रखेंगे यहां, तो 3y बराबर ये 60, तो y का मान कितना आएगा बेटा 20 आएगा। अगर y का मान 20 है तो फिर अक्ष का मान कितना रहेगा 40, तो अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक हो गया 40.20। इसी प्रकार यहां पर अपने पास है ये अक्ष प्लस के 2y बराबर क्या 120 है, यहां पर रखेंगे 2y तो 4y बराबर 120, तो y का मान कितना आएगा 30 आएगा। अगर y का मान 30 है तो फिर अक्ष का मान भी क्या रहेगा अपने पास, यहां पर देखो अक्ष का मान रहेगा 60, तो ये 60.30। इस प्रकार से अपने पास ये सुसंगत क्षेत्र तो प्राप्त कर लिया जिसके मैं निर्देशांक दे रहा हूं। ए बिंदु दिया निर्देश अपने पास, ये बी बिंदु दिया, ये सी बिंदु दिया और ये डी बिंदु दिया, तो अपने दीप अपने पास दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र क्या हो गया अपने पास वो देखें। आता है दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र ए बी सी डी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः है ए, ए के साथ में आएगा 120.0, फिर बी के साथ में क्या आएगा बेटा 60.0, फिर सी के साथ में क्या आएगा बेटा 40.20, वह डी के साथ में क्या आएगा बेटा 60.30। अब देखो अपने पास ये तो बिंदु प्राप्त कर लिए है, इन बिंदुओं के निर्देशांकों पर उदस्य फलन का मान ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं अपने पास उदस्य फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, शीर्षों के निर्देशांकों पर उदस्य फलन जेड का मान निम्न सारणी में है, निम्न सारणी में है। अब देखो अपने पास यहां पर क्या आएगा शीर्ष, यहां पर क्या आएगा निर्देशांक, यहां पर क्या आएगा उदस्य फलन, जेड बराबर क्या है 5x प्लस का 10y, पांच अक्ष प्लस का 10y, ये शीर्ष क्या a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d है। निर्देशांक a अपने पास क्या है 120.0, 60.0, फिर c क्या है 40.20 और d क्या है 60.30। इन पर मान ज्ञात करेंगे, पहला मान z बराबर 120 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 0 बराबर कितना आएगा बोलो, 120 को 5 से किया 600, इसको गुणा किया 0 तो 600 हो गया मान, 60.0 तो अपने पास क्या आएगा 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 0 मान कितना आएगा रे 300, मान कितना आएगा 300 आएगा यहां पे, यहां पे जेड बराबर 5 गुणा 40 प्लस का 10 गुणा 20 बोलो कितना आएगा यहां पर 40.20 पर देखो 5 गुणा 40 प्लस 10 गुणा 20 मान कितना हो गया, इसको किया 200, इसको किया 200 मान कितना हो गया बेटे
400, फिर यहां पर 60.30 पर है, तो z बराबर क्या हुआ 5 × 60 प्लस का 30 × 10, यहां पर मान कितना आएगा z का, 5 को 60 से गुणा किया 300, और 300 कितना हो गया बेटा 600। तो बिंदु A पर मान आया 600, बिंदु B पर आया मान 300, बिंदु C पर आया मान 400, बिंदु D पर आया मान 600। हमें क्या निकालना था, उदर से फलन Z का मान न्यूनतम मान निकालना है। तो इन चारों में से कौन सा मान न्यूनतम है, आपके पास ये मान न्यूनतम है, न्यूनतम मान ये है 300। तो लिख देंगे लास्ट में कि आता है दी गई असमीका का न्यूनतम मान बिंदु, कौन से बिंदु पर, 60.0 पर है। किस बिंदु पर बेटा, अपने पास से 60.0 पर। आता है दी गई समस्या का बिंदु ए 60.0, बिंदु ए 60.0 पर न्यूनतम मान 300 है। न्यूनतम मान कितना बेटा 300। तो इस प्रकार से बेटा आपके पास इन दी गई रेखीय प्रोग्रामन समस्याओं को हल करते हैं और इनका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। तो अपने पास एग्जाम है बेटा, कौन सा क्वेश्चन, फिर से कह रहा हूं मैं, 25वां क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आएगा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा, 25 नंबर क्वेश्चन, जो अपने पास बोर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बेटा, इस अपना क्वेश्चन नंबर 6। अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे प्रकार के केक को 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। तो केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 केजी आटे व 1 केजी वसा से बन सकते हैं। ये मान लेते हैं कि केकों को बनाने के लिए अधिक अन्य पदार्थों की कमी नहीं, कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो अपने पास केक कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। प्रथम केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए, 25 ग्राम वसा चाहिए। द्वितीय केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा चाहिए, 50 ग्राम वसा चाहिए। तो अपन को अधिकतम केक बताने हैं कि 5 किलो आटे व 1 केजी वसा से कितने केक बन सकते हैं, जबकि इन केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। तो अपने पास इसको हल करते हैं, देखो क्या है। माना कि प्रथम प्रकार, माना कि प्रथम प्रकार के केकों की संख्या अक्ष है व दूसरे प्रकार के केकों की संख्या वाई है। प्रथम प्रकार के केक अक्ष है, द्वितीय प्रकार के केक वाई है। अतः अपने पास कुल केक यानी अधिकतम केक कितने होंगे, इसलिए अधिकतम केक बराबर क्या हो गया मान अपने पास, अधिकतम केक बराबर क्या है, अक्ष प्लस वाई, यानी अपने पास इसका जेड का मान क्या हुआ, इसलिए अधिकतम जेड बराबर अक्ष प्लस वाई। अपने पास के प्रतिबंध या अवरोध ज्ञात करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है प्रथम केक में आटा कितना है 200 ग्राम, द्वितीय केक में आटा कितना है 100 ग्राम, और कुल आटा कितना है 5 केजी, और 5 केजी में कितने ग्राम होंगे बेटा, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे अपने पास, तो 5000 ग्राम आएंगे। तो अपने पास इसका अवरोध क्या आएंगे बेटे, 200 अक्ष प्लस का 100y लेस देन इक्वल 5000, यानी प्रथम केक में 200 ग्राम आटा, द्वितीय केक में 100 ग्राम आटा, और कुल आटा कितना है 5 केजी, यानी कि 5000 ग्राम होंगे अपने पास।
इसको अपने पास क्या है, तो 2x प्लस का वाई लेस देन इक्वल कितना आएगा, मान 50 आएगा। 2x प्लस लेस देन इक्वल 50। दीती देखो अपने पास, प्रथम केक में वसा कितनी है, 25 ग्राम। द्वितीय केक में वसा कितनी है, 50 ग्राम। तो अपने पास इसको क्या किया, 25x प्लस का 50y लेस देन इक्वल कितना किलोग्राम वसा है टोटल अपने पास, कुल 1 kg। 1 kg वसा में कितने ग्राम होंगे बेटा, 1000। इसको अपन हल करेंगे, 25 का भाग देंगे x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 40। अपने पास जो केक बनाए गए हैं वो कभी ऋणतर नहीं होते हैं, वो शून्य हो सकते हैं या शून्य से बड़े मान हो सकते हैं। इसलिए अपने पास क्या आएगा, तथा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर इक्वल, आप लिख सकते हैं कि बनाए गए केकों की संख्या कभी ऋणतर, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणतर होती है। इसलिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब अपने पास इनको हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे बेटा, असमीकरण बदल देंगे। किस में बदल देंगे इसको, असमीका है, इनको किस में बदलेंगे, समीकरण में। इनका ग्राफ बनाने के लिए इसको किस में बदलेंगे बेटा, समीकरण के अंदर बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, इन अवरोधों को समीकरण में बदलने पर, तो देखो अपने पास क्या आएगा, इन अवरोधों को अपन समीकरण में बदलते हैं तो अपने पास फैस समीकरण क्या बनेगी, फैस समीकरण बनेगी अपने पास सी 2x प्लस का वाई बराबर क्या है, 50। क्या समीकरण है, 2x प्लस का वाई बराबर 50। तो अपने इसकी टेबल क्या बनेगी, देखो ये x ये y, अगर अपन y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 25। x को 0 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा बेटा, 50। इसी प्रकार अपने पास क्या आएगा, मान x प्लस का 2y बराबर कितना लेंगे, 40। x प्लस 2y बराबर लेंगे 40। तो अगर अपने y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 40, और x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 20 आएगा बेटे अपने पास। इस प्रकार से अपने इन समीकरण को अपन किस में बदल दिया बेटे, इन असमीकाओं को बदल दिया, या इन अवरोधों को किस में बदल दिया, समीकरण में। इनका ग्राफ बनाने के लिए अपने पास बेटे, फिर से देखो अपने पास कि 2x प्लस y बराबर क्या था, 50 था। इसको अपन मान निकाला तो क्या है, देखो अपने पास x का मान, y का मान 0, x का मान 25 है, क्योंकि 2 का भाग दिया। x का मान 0 लिया तो y का मान 50, y का मान 0 तो x का मान 40, और x का मान 0 तो 2 का भाग दिया तो y का मान कितना आया, 20। अब इनको अपन ग्राफ में दर्शाते हैं, देखो ये अक्स डैश अक्स है, ये अक्स अक्स है, ये वाई अक्स है बेटा, ये वाई डैश अक्स है, ये मूल बिंदु है। यहां पर मान कितना, वही मान दर्शाएंगे 10-20 में। ये लो 10, ये लो 20, ये लो 30, ये लो 40, ये लो 50, ये लो 60, ये लो 70। इसी प्रकार यहां पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इधर माइनस का 10 अक्ष के मान, माइनस का 20, माइनस 30, माइनस का 40। इधर y के मान, माइनस का 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस का 40, और माइनस का 50। अब इसका पैमाना, पैमाना क्या आएगा, एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर क्या आएगा, 10 इकाई। देखो अपने पास इनको व्यक्त करेंगे, अभी
पहला क्या पॉइंट है, 25.0, अक्ष का मान 25 और वाई का मान 0 है, तो यहां पर आ गया बिंदु 0.50, ये आ गया। इन दोनों को मिला दो बेटे अपने पास, तो मिलाने पर क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे अपन समीकरण, 2x प्लस का वाई बराबर 50। नंबर आगे देखो अपने पास बेटा, अक्ष का मान कितना है 40 है, एक मिनट इसका झुकाव आपको पता है, 2x प्लस वाई लेस देन वो लेस देन इक्वल आ रहा है, यहां पर प्लस का आ रहा है, तो उसका झुकाव क्या रहेगा, मूल बिंदु की तरफ रहेगा बेटा। फिर देखो अपने पास 40.0, ये 40.0 बेटा, फिर 0.20, ये 0.20 बेटा, इन दोनों को मिला दो बेटा अपन, इसकी समीकरण क्या लिखेंगे, अक्स प्लस का 2y बराबर 40। इसका झुकाव भी क्या रहेगा, आपको पता है अक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल 40 है, यानी कि लेस देन है प्लस का 40 है, तो इसका झुकाव क्या रहेगा, मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है, तो अपने पास इसका झुकाव भी आ गया इधर मूल बिंदु की तरफ है। अब देखो बेटा आगे, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, इन दोनों का हल क्षेत्र कौन से चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु के ऊपर, अपने पास ये आएगा ऐसे, इधर ये आएगा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी असमीकाओं को संतुष्ट करते हैं, ये क्षेत्र ये है अपने पास, जो सभी असमीकाओं को या प्रतिबंधों को या अवरोधों को संतुष्ट करता है, जो इसको मैं थोड़ा गहरा डायरेक्ट या छायांकित कर रहा हूं, तो आपको पता है ये छायांकित करने पर इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या है 25.0 है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 0.20 है, और इस बिंदु के निर्देशांक है 20.10 है, क्या बेटा अपने पास 20.10, तो अपने पास दिए गए समीकरणों का एक सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया हमने, और नाम इसका दे सकते हैं अपन AOBC। इसका नाम दिया मैंने A, ये O है, ये B बिंदु है और ये C है, आता है दी गई समस्या का सुसंगत क्षेत्र AOBC है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक ए, ए पर क्या आ रहा है 25.0, बी पर क्या आ रहा है, ओ सॉरी ओ पर क्या आ रहा है 0.0, फिर बी पर क्या आ रहा है बेटा 0.20, बी पर क्या है 0.20, और सी पर तथा सी पर क्या बेटा अपने पास 20.10, इन सभी बिंदुओं पर उदस्य फलन का मान, इन सभी शीर्षों पर उदस्य फलन जेड बराबर एक्स प्लस वाई का मान निम्न सारणी में है, निम्न सारणी में है, वो देखो अपने पास क्या है, ये लो शीर्ष, ये लो निर्देशांक, ये लो अपने पास जेड, और जेड बराबर क्या है अक्ष प्लस का वाई, ये शीर्ष है अपने पास ए, ये लो ओ, ये बी और सी, इसका मान कितना है 25.0, इस पर मान कितना आएगा जेड का 25+0 बराबर कितना आएगा बेटा 25, ये इस पर क्या है 0.0 शीर्ष है ओके, तो जेड का मान कितना हो गया 0, फिर बी क्या है
0.20। तो अपने पास मान क्या है जेड का, 0 प्लस का 20 बराबर कितना आएगा जेड का मान, 20। फिर सी क्या है, 20.10 है, तो जेड का मान कितना आएगा, 20 प्लस का 10 बराबर कितना आएगा बेटे, 30। तो आपके पता है ये चारों मानों से सबसे बड़ा, सबसे अधिकतम मान कौन सा है, ये है। तो अपने पास प्रथम प्रकार के कितने बने, 20, द्वितीय प्रकार के कितने बने, 10, तो कुल केक कितने हो गए अपने पास, 30 केक हो गए। तो नोट कर देंगे यहां पे, आता है बिंदु सी 20.10 पर समस्या का अधिकतम मान 30 है। आता है प्रथम प्रकार के केक, प्रथम प्रकार के केक बराबर 20, द्वितीय प्रकार के केक बराबर 10। प्रथम प्रकार के केक 20, द्वितीय प्रकार के केक 10 तथा कुल केक, आता है अधिकतम केकों की संख्या 30 है। ऐसा करेंगे तब आपको जाकर के बेटा इस एलपीपी के क्वेश्चन नंबर 25 का अंक आपको कंप्लीट मिलेंगे 3 अंक का, वरना तो आपके क्वेश्चन कोई भी इसमें छोड़ देंगे, कुछ गलतियां कर देंगे तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे बेटे। इस प्रकार से बेटा अपने पास रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के जो मैंने क्वेश्चन बताए उनमें से क्वेश्चन संख्या 25 और क्वेश्चन संख्या 9 जो मैंने आपके इस वीडियो में आपको मैंने बताया है, जो प्रारंभ में 3 क्वेश्चन दिए वो आपको किस प्रकार के हैं, एक एक अंक वाले, और क्वेश्चन 3 और बताए मैंने वो किस प्रकार के क्वेश्चन है बेटे अपने पास, 3-3 अंक के क्वेश्चन है बेटे अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, वो देखो बेटा अपने पास बड़ा क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए, निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आपको मान क्या निकालना, जेड का अधिकतम मान है निकालना है, ज्ञात करना है x + 2y। यह अवरोध क्या है, x - y less than equal minus का 1 है तथा x माइनस का x प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अपने पास सबसे पहले क्या लिखेंगे हल करने के लिए इसको, कि दिए गए अवरोधों को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर x माइनस का y बराबर माइनस 1, इसको अपन हल करते हैं, x और y के रूप में एक टेबल बनाते हैं। देखो x का मान 0 देते हैं तो y का मान 1, और y का मान 0 तो x का मान माइनस 1, इधर क्या आएगा माइनस x प्लस का y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया ये y, इसमें क्या आएगा अपने पास 0 0 1 1 माइनस एक माइनस एक, ऐसे मान आएंगे अपने पास। तो अपन क्या करते हैं इनको एक ग्राफीय तल में इनको बिंदुओं को दर्शाते हैं, इन बिंदुओं को ग्राफीय तल में दर्शाने पर ये हो गया अक्ष अक्ष अक्ष, ये हो गया अक्ष डैश अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया वाई डैश अक्ष। ये हो गया वाई डैश अक्ष। अपने पास से इन बिंदुओं को इसी ग्राफीय
तल में दर्शाएंगे। इन बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखो सारणी मान क्या, जीरो और एक माइनस एक और एक ऐसे मान, तो अपन इसके क्या लेंगे इस बिंदु को, अपन यहां पर क्या एक दो तीन चार पांच छ, यहां पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस प्लस के आएंगे मान, वाई के मान प्लस के। इधर अपने पास एक माइनस का दो माइनस तीन माइनस चार, इधर अपने पास माइनस का एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, ये सभी मान कैसे रहेंगे बेटे, प्लस के रहेंगे। एक दो तीन चार पांच। अब देखो पहला बिंदु जीरो कोमा एक, ये अपने पास जीरो कोमा एक, फिर कौन सा माइनस का एक कोमा जीरो, माइनस का एक कोमा जीरो, इनको अपन मिलाते हुए रेखा खींच दो अपन, इसकी समीकरण क्या आती है अपने पास, अक्ष माइनस वाई बराबर माइनस, इसका झुका दो अपन मूल बिंदु की तरफ आएगा या मूल बिंदु से ऊपर जाएगा अपने पास। देखो यहां पे अक्ष माइनस वाई लेस देन इक्वल माइनस एक, तो रखेंगे देखो जीरो माइनस का जीरो माइनस एक, जीरो लेस देन माइनस एक, क्या जीरो माइनस एक से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। अपने पास एसएमई का असंतुष्ट है तो इसका झुकाव क्या रहेगा, रेखा के ऊपर की तरफ जाएगा यानी मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा। नंबर दो जीरो जीरो एक एक माइनस एक एक, तो अपने पास रेखा कहां से गुजरेगी बेटा, मूल बिंदु से गुजरेगी। इसका समीकरण क्या लिखेंगे, अक्ष बराबर वाई। अब देखो इसका झुकाव कैसे आएगा, आपको पता है इसका झुकाव यह असमी का है यानी माइनस का अक्ष प्लस वाई लेस देन इक्वल जीरो माइनस अक्ष लेस देन इक्वल माइनस वन। अब समीका को किसी भी समीका को माइनस से गुणा करते हैं भाग करते हैं तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस से गुणा किया तो अक्ष ग्रेटर देन इक्वल वाई हो गया, अक्ष वाई से बड़ा है इसलिए इसका झुकाव इधर रेखा के नीचे की तरफ आएगा बेटा। और अक्ष ग्रेटर देन इक्वल जीरो का झुकाव इस प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो का झुकाव ये जाएगा। अब देखो बेटा अपने पास कोई ऐसा क्षेत्र है क्या जो सभी असमीकाओं को संतुष्ट करता है, नहीं है अपने पास। ये आ गया ये तीनों करें लेकिन ये असमी रेखा इस भाग को संतुष्ट नहीं करती है, इस भाग को ये रेखा संतुष्ट नहीं करती है, तो इस असमीकाओं का दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं है। अतः दी गई समस्या का कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। अतः समस्या का कोई अधिकतम मान नहीं है। इस प्रकार से बेटे अपने पास ये एलपीपी का टॉपिक पढ़ाया है आपको, जो बोर्ड एग्जाम में आधारित अपने पास बोर्ड पे आधारित क्वेश्चन बताए गए हैं, जो 25 क्वेश्चन आता है वो 3 अंक का, इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, और बेटा आपको मैंने एक अंक वाले क्वेश्चन मैंने 1, 2, 3 जो क्वेश्चन संख्या पेपर में 9 नंबर का आएगा एक अंक वाला और क्वेश्चन संख्या 25 3 अंक वाला क्वेश्चन आएगा अपने पास। तो बेटा आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके।